पूरे बराबरी में चल रहे हैं, यहाँ पर ही रहे ये, और हम लोग पीछे कर दिए, पीछे कर दिए। हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो भाई अभी हम लोग चल रहे हैं भाई उदयपुर। अभी हम लोग सब मिल के टोटो में बैठे हुए हैं और अभी जा रहे हैं उदयपुर। अभी रास्ते ही में है, चलते हैं भाई उदयपुर भी जाके देखते हैं कैसा है वहाँ पर भी। और अल्ताफ को देखिए, अल्ताफ ये चश्मा खरीदा है, लग रहा है बंदा हीरो हीरो हीरो। कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह हो रहा, सब जगह में होटल अभी रेडी होगा। और ये रहा स्टेशन, टीका स्टेशन। लेकिन भाई एक बात है, न्यू डीगा में और उदयपुर में यहाँ पर भाई होटल की कमी नहीं है भाई। यहाँ पर इतने सारे होटल यहाँ पर बने हुए हैं और काफ़ी सारे हैं भाई यहाँ पर। बट यही बात है कि थोड़ा बीच से थोड़ा दूर रहता है, बट यहाँ पर होटल हमेशा अवेलेबल और खाली मिल जाता है। बट यही बात है, रेट इन लोगों का थोड़ा हाई हो जाता है भाई। सैटरडे संडे तो खास करके यहाँ पर रेट हमेशा हाई रहता है, क्योंकि वीकेंड का दिन है भाई, हर कोई छुट्टी में यहाँ पर आता है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी रहती है। और ये रहा भाई जंगल, और जंगल काट के यहाँ पर बीच से रास्ता बनाया गया है। और ये देखिए ये छोड़ रहा है, हम लोग अभी उदयपुर पहुँच चुके हैं भाई, और अंकल से थैंक यू अंकल लेकर आने के लिए। चलो अल्ताफ तो यहाँ पर ऐसा घूर रहा है कि लगे उसको बोल रहा है कि जंगल में हम लोगों को उसको डर लगता है यहाँ पर आने में। वो बोला मुझे घर में ले जाके वापस से छोड़ देंगे। और यहाँ पर जितने भी देख रहे हैं ये पूरा कैक्टस का प्लांट वगैरह है, पूरा पहाड़ी जैसा बनाया हुआ जंगल का, बीच से काट के रास्ता बना के यहाँ पर ये किया है। यहाँ पर बाजार भी लगा हुआ है, पूरा मार्केट भी लगता है छोटा सा। और अल्ताफ को तो हम लोग चश्मा खरीद के भी दिया। अल्ताफ चश्मा दिखाओ, हीरो लग रहा है हीरो। यहाँ पर भाई रेंट में आपको स्कूटी बाइक वगैरह भी यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पर आके स्कूटी बाइक लेके रेंट में चला सकते हैं। और यहाँ पर मट्टी काट के भी यहाँ भाई कुछ बनाया जा रहा है यहाँ पर अलग से, शायद कुछ इन लोग कर रहा है, काम हो रहा है यहाँ पर पूरा। और इतना तो आप लोग सब देखिए, काफ़ी खूबसूरत। चलते हैं अभी आगे, यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी दिया जाता है। और अल्ताफ मम्मी पापा इन लोग सब देखे यहाँ पर आए हुए बोट में। और अल्ताफ, अल्ताफ को बैठा दिए यहाँ से, उछल जाएगा डायरेक्ट कलकत्ता बैठ के। हम एक तो टाइटैनिक वाला पोस, अल्ताफ डर का हमारे टाइटैनिक वाला पोस दे रहा है। सो गाइस, भाई यहाँ पर खड़ा हो गए और वो अब टाइटैनिक का पोज देने वाले, देख लीजिए। पानी में नहीं है ये लोग, लेकिन ऐसा मतलब दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ा हम लोग जहाज में आए हुए। देख लो भाई, अब बीच में छोटे तो ऑलरेडी पहले जा चुके हैं। और भाई हम लोगों ने क्या किया है कि भाई बोर्ड तो रखा हुआ, तो बोर्ड में सोचे थोड़ा सा क्यों ना एक सेल्फी वगैरह भी हो जाए, और छोटा सा एक रील भी हम लोग बना लिए है। और अभी देखिए छोटे कितना आगे जा चुका है, देखते हैं। और पापा भी वहां पर पीछे में है। मैं देख पैन ऑलरेडी एक तो भीजी है, दोबारा एक तो इसको भी नहीं भेजा यहाँ पर आगे। मेरा एक तो मतलब अभी एक और है मेरा बस पैन, तेरा पास है ना, पर मेरा पास तो है नहीं ना, तो भी लो, लो। पहला मुँह लेकर छोटे हाँ कर ले एंजॉय। अल्ताफ ये भी आ रहा है, अभी अल्ताफ आ रहा है, अल्ताफ और पापा भी यहाँ पर जस्ट अभी यहाँ पर आ रहे हैं। ओ अल्ताफ भी जा पैंट, देखिए अल्ताफ को
अल्ताफ यहाँ पर अभी है। पैंट भीग जाएगा पीछे बात, पैंट भीग जाएगा साथ, पैंट नहीं है तुम्हारा बात, तुम याद रखो पीछे करके रखिए। इसीलिए तो सुबह से धूप निकला हुआ नहीं है। पापा को मैंने ऑलरेडी बोला भाई यहाँ पर स्कूटी भाड़ा में दे रहा है, बोल रहा है कि आधा घंटा का आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर लगेगा 200, आधा घंटा आप राइड करिए कहीं भी जाइए, बट लेकिन आधा घंटा में आपको लाके यहाँ पर स्कूटी जमा करना होगा। अगर आप लोग नहीं किए तो उन लोग किसी ना किसी का स्कूटी में आकर फिर आपसे वहाँ से स्कूटी ले लेगा। इसीलिए आधा घंटा में आपको 200 रुपये में राइड है, यहाँ पर आइए। और बोटिंग का लेके भी यहाँ पर सुविधा दिया गया है। এখান থেকে 10 কিলোমিটার দূর, 1.5 কিলোমিটার দূরে। আচ্ছা, ফ্ল্যাগের কাছে দাঁড়ালেন, ফটো ফটো তুলে ঘুরে দেখে আসছেন, যা বাসা 3 কিলোমিটার। ওখান থেকে ফিরে রিটার্ন বাপাস কত ই আছে? একটা গাড়ি আমাদের 200 টাকা, কোনো পারে সিস্টেম না, দুজন তিনজন যাচ্ছে। আচ্ছা, কি রেট? 200। কত দের আপ এন্ড ডাউন? 3 কিলোমিটার। ওদিকে 10-15 মিনিট হোল্ড করলেন, ফটো ফটো তুললেন, ঘুরে দেখে আসছেন। আচ্ছা। सो गाइस, अभी भाई यहाँ पर हम लोग राइड के लिए तैयार हो चुके थे, पापा बोल दिए तो अभी भाई स्टार्ट किए राइड। हम अल्ताफ और भाई तीनों हैं यहाँ पर, भाई गाड़ी चला रहे हैं अभी। भाई सूखा में भाई यहाँ पर गाड़ी चलाने पड़ रहे हैं। आखिर में जाके पापा को बोलकर कितना देर बाद जाके हम लोगों को यहाँ पर गाड़ी चलाने का मौका मिला। ऐसा मजा तो आ रहा है भाई, इंजॉय तो हो ही रहा है भाई, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अब मजा रहा है। सो गाइस, हम तीनों भी राइड में रहा भाई चला रहे। ये बहुत मजा। यहाँ पर भाई जेसीबी से अभी पत्थर उठाया जा रहा है। इन लोगों ने बोला कि आगे में इन लोगों का कहाँ पर कोई लाल झंडा वगैरह लगा हुआ है, वहाँ तक का लाल जाने के लिए। झंडा कहाँ है यार? झंडा कहीं नहीं ले आ रहा है। अरे आगे में आगे, आगे 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 भाई ये रहा यहाँ पर भाई लाल झंडा, यहाँ तक का बोला गया था हम लोगों को 3 किलोमीटर तक का टूर करने के लिए। और भाई काफी ज्यादा मजा आया भाई, और हम लोग काफ़ी ज़्यादा दूर से भी आए हुए, इतना दूर में मम्मी पापा वहाँ पर अभी बैठे हुए हैं और हम लोग यहाँ पर अभी लाल झंडा तक का पहुँच गए। यहाँ इन लोगों का एक टारगेट दिया हुआ रहता है कि इतना दूर तक का ही आप लोगों को आना है, क्योंकि भाई यहाँ से फिर उड़ीसा बॉर्डर भी आ जाता है ना, इसके वजह से। और छोटे अभी देखिए यहाँ पर लेके जा रहे हैं, देखिए अब छोटे चला रहे हैं यहाँ पर, अभी हम यहाँ पर हैं तो तब तक छोटे यहाँ पर चला रहा है। बहुत सारे भाई लोग भी यहाँ पर आए हुए ऑलरेडी पहले से ही। अल्ताफ तो काफी इंजॉय कर रहा है अभी, और छोटे यहाँ पर देखिए अभी चला रहे है वो भी। अब पापा खुद यहाँ पर आ चुके हैं। पहले पापा हम लोग खुद मना कर रहे थे कि मत जाओ लेके, अभी खुद पापा यहाँ पर आए हुए और छोटे अभी यहाँ पर है। छोटे यहाँ पर चला रहे हैं और पापा को बता रहे थे कि बस आराम से चला, रेलिंग में मत चलाया कर। बी द राइडर। बड़ी सुन रहा है ये। अभी पापा से भी हम स्कूटी लेने वाले हैं। दिया ना? यस सर। है ना? बोलो। बड़ा खटारा गाड़ी। ऑटो का चीज है लोग का? ऑटो का स्टैंड है, मतलब धस जाएगा ना गाड़ी। हाँ टाप को देख रखी है, टाप ले दिया तो गाड़ी धस जाएगा। टाप देने का मतलब स्टैंड मार है ना, गाड़ी धस जा रहा है मट्टी में, तो स्टैंड थोड़ी ना खड़ा, थोड़ी ना टाइट है। बड़ा आराम से ना, नहीं करो ऐसा खराब बात, बालू है सर सन स्लिप कर जाएगा, लग जाएगा चोट। यार अल्ताफ कैसा लगा?
मम्मी और पापा भी जा रहे हैं यहीं पर है। एक्सक्यूज मी, थोड़ा साइड दीजिएगा। एक्सक्यूज मी, हम लोग आगे भाई, मम्मी लोग को आगे जाने दे रहे भाई हम लोग, क्योंकि भाई अगर हरा देंगे तो मम्मी गुस्सा हो जाएगी ना, इसी वजह से मम्मी को जीत देते हैं। बोलोगे तो जीत जाएंगे। अभी बोलो अल्ताफ, अल्ताफ जीत जाए हम लोग। ठीक है, अब पप्पा पप्पू का पीछे करना हम लोगों। हे ये रहा गाड़ी का ओनर भाई, उनके भाई का ही गाड़ी है। अल्ताफ उतर जाओ, मजा आया अल्ताफ? हाँ लगा, कैसा लगा? ये रहे पापा के गाड़ी का ओनर, ये रहे पापा के गाड़ी का ओनर। ठीक है ठीक है, यार ये कुत्ता हमारे जूते के भाई के जूते के ऊपर रख के खा रहा था कुछ। अल्ताफ मजा आया? बहुत मजा आया। तो केकड़ा देखा वहां पर? हाँ बहुत छोटा था। हम लोग गाइस अब चलते हैं घर भाई, क्योंकि काफी देर से अभी हम लोग यहाँ पर थे भाई आए हुए, और काफी ज्यादा एंजॉय किए भाई, काफी ज्यादा अच्छा लगा भाई। बट एक चीज एक्सपीरियंस हो चुका है कि बगमैन जो स्कूटी है भाई, बगमैन के अलावा अगर कोई भी दूसरा स्कूटी चला रहे है ना भाई, एकदम हल्का फील हो रहा है, क्योंकि स्कूटी में सबसे भारी जो है बगमैन ही लग रहा था, वरना बगमैन के अलावा कोई भी ऐसा स्कूटी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है चलाने में, एकदम रिलैक्स, एकदम हल्का लग रहा है एकदम। तो भाई अभी चलते हैं होटल। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग होटल पहुंच चुके हैं भाई, अब काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं भाई, थोड़ा रेस्ट करेंगे आराम करने के बाद, उसके बाद जाके बाहर देखते हैं हम लोगों को टिकट मिलता है या नहीं, फिर रिटर्न बैक हम लोगों का टिकट कटाना भी है। आई होप सो आप लोगों को मेरा ये आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, बट सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।